प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यू को एक प्लांट टिश्यू है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड किया गया है, दूसरा प्लांट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया गया है। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा जो है परमानेंट। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसमें कि डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो दो तरह के प्लांट टिश्यू हैं। प्लांट टिश्यू कितने तरह के हैं? दो तरह के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होती हैं जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू वो होती हैं जिसमें कि डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है लोकेशन के आधार पे इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा जो है लेटरल मेरिस्टेम। लोकेशन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको तीन भागों में एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के आधार पे इसको बांटा गया है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ओरिजिन के आधार पे जो है, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे इसको फिर अब बांटा गया है। तो ओरिजिन के आधार पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटा गया है, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे इसको भी ये तीन भागों में, एक प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के आधार पे हम लोग को जनरली यही याद रखना है, एक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जिसमें सेल में डिवीजन की क्षमता होती है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। इसके फंक्शन जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन क्या है, तो प्रोटोडर्म का ये फॉर्मेशन करता है, प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करता है और ग्राउंड मेरिस्टेम का ये फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं ये परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू ये कितने तरह की हैं। परमानेंट टिश्यू ये दो तरह की हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू आ रही हैं इसको फिर अलग अलग बांटा गया है, एक पैरेन्काइमा में कोलेन्काइमा और फिर स्क्लेरेन्काइमा। जो परमानेंट टिश्यू वो हैं, जिसकी डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसको परमानेंट टिश्यू हम लोग कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। ऐसे प्लांट टिश्यू जिसकी डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया गया है और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इसे डिवाइड किया गया है, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में इसको डिवाइड किया गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं इसको फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल वाले को एक पैरेन्काइमा सेल में डिवाइड किया गया है, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ये जो डिवाइड किया गया है ये दो तरह से, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये हमारा हुआ एक सिंपल सा डिवीज़न प्लांट टिश्यू का, कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू हम लोगों ने देखा दो तरह के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है, और एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें कि डिवीजन की क्षमता नहीं होते हैं, सेल आर नॉट एबल टू डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरल लोकेशन के आधार पर जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक जो है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। और ओरिजिन के आधार पे इसको प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये बांटा गया है।
यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू थी कॉम्प्लेक्स से, दूसरा हम लोग दूसरा एक डायग्राम देखते हैं, ये प्लांट टिश्यू को इसमें भी अच्छा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। ये प्लांट टिश्यू जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मेस्टेमेटिक जिसमें सेल डिवाइड करते हैं, और परमानेंट जो है सेल डू नॉट डिवाइड, दे हैव नॉट एबिलिटी टू डिवाइड। मेस्टेमेटिक टिश्यू को एपिकल मेरिस्टेम में डिवाइड किया गया है, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम में। और फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि परमानेंट जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू, इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया गया है, और दूसरा जो है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है इसे वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये फिर इसको पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं, फिर ये भी अच्छा है ग्राफिक्स, ये देख रहे हैं हम लोग प्लांट टिश्यू जो है इसको भी यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यू को ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मेस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ये एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू जो है यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वाले को दो भागों में तीन भागों में बांटा गया, एक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा देख रहे हैं इसको फिर दो भागों में बांटा गया, एक फाइबर में और दूसरा स्क्लेराइड्स में बांटा गया। और कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जाइलम है और दूसरा जो है फ्लोएम आता है। तो ये देखा गया है ये जाइलम जो बना होता है ये ट्रैकिड्स का बना होता है, वेसल्स के बने होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम और फाइबर इसमें होता है। और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम हम लोग देख रहे हैं, ये फ्लोएम ये क्या चीज़ से बना हुआ है, जो फ्लोएम बना हुआ है वो सीव सेल से बना हुआ है, कॉम्पेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना हुआ है, और ये फ्लोएम फाइबर से बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये डिवीज़न है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू दो भागों में बना हुआ है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट टिश्यू मेनली दो तरह के हैं, एक मेस्टेमेटिक और परमानेंट। हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेन्काइमा। फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये पैरेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। पहला हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं पैरेन्काइमा का, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है पैरेन्काइमा का। और ये नीचे वाला जो है ये है ये पैरेन्काइमा का, ये भी पैरेन्काइमा का डायग्राम है। ये डायग्राम देख के हम लोग बनाएंगे। फिर इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ का है डायग्राम, बी जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी कोलेन्काइमा का है, ये कोलेन्काइमा का दिया हुआ है, कोलेन्काइमा का। तो बी जो है ये कोलेन्काइमा का है, कोलेन्काइमा का ये जो बी डायग्राम है ये कोलेन्काइमा का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कोलेन्काइमा में जो है वॉल जो है थिक है, बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, बड़ा सा वैक्यूल है, और ये सेल वॉल का डायग्राम है यहाँ पे। फिर इसी का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, ये इंड वॉल है, ये इंड वॉल ये दिख रहा है, प्लस प्राइमरी वॉल है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है। डायग्राम देख के हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं सी, वन सी जो है स्क्लेरेन्काइमा का ये डायग्राम है, ये स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम है, इसको देख के हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है सी में ये ट्रांसवर्स सेक्शन वन है, ये है जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, और फिर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन और ये
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे है 1 और 2, ये डायग्राम देख के हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो प्लांट टिश्यू हुआ। दो तरह के प्लांट टिश्यू हम लोगों ने देखा, एक जो है मेस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा परमानेंट है। प्लांट टिश्यू एक जो है मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा जो है ये परमानेंट हम लोगों ने देखा। मेरिस्टेमेटिक में एक एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और परमानेंट टिश्यू में जो है ये एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा दो तरह की होती हैं, एक फाइबर है और एक स्क्लेराइड्स हैं। परमानेंट टिश्यू की जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये जाइलम और फ्लोएम में है। डिवाइड जाइलम बने होते हैं, जाइलम जो है ट्रैकिट से बने होते हैं, जाइलम ट्रैकिट से ये बने होते हैं। ये पॉइंट्स भी जो है हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि जाइलम ट्रैकिट से हैं, वेसल से हैं, वेसल्स को ट्रैकिया भी बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर, और फ्लोएम जो है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये चारों चीज़ याद करने की हम कोशिश करेंगे।